नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को आज एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जो वीडियो आपको भी गर्व से ऊंचा कर देने वाला है। एक ऐसा वीडियो जो हर एक इंडियन के चेहरे पे मुस्कान लाती है और खुद को गौरव से ऊंचा कर देने वाले हैं। भारत के असम नौगांव का 18 साल की लड़की हिमा दास 400 मीटर की दौड़ में सर्वपदक भारत का इतिहास रचा दिया। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फिनलैंड में चल रही IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियन में हिमा दास ने भारत को गोल्ड दिलाया। ऐसी धरती पर भारत की हिमा दास चैंपियन बनने की पूरा कहानी इस वीडियो में देखिए आप। Women's 400 meters final. The lineup again for you. चौथे ट्रैक पर भारत की एथलीट हिमा दास ने मार किया। Off they go. We'll keep a very close eye on. रेस शुरू होते ही हिमा दास अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई एथलीट से पीछे नजर आ रही थी। हिमा दास शुरुआती कुछ सेकंड में अपनी विरोधी एथलीट को छू भी नहीं पाए और फिर देखिए अगले 8 से 10 सेकंड में हिमा दास ने कैसे इतिहास रच दिया। हिमा दास, the Indian is surging. She can see the line. She can see history. India's never won any medal in a track event, but Das has done it here. हिमा ने ठीक 51.46 सेकंड में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर की दौड़ को पूरा कर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। What a performance! She reeled them in. वर्ल्ड ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली हिमा दास पहली भारतीय महिला एथलीट है। देखिए किस तरह जीत हासिल करने के बाद हिमा अपने देश का गौरव यानी तिरंगा झंडा मांग रही है। Brilliant! 51.47, history made in Tampere. हिमा के परिवार में जश्न का माहौल है। सुनिए उन्होंने इस उपलब्धि पर क्या कहा। बहुत भाल लगे सर, तय सरु काल बहुत सहसी छाली आज बहुत कष्ट कर हिमा दास ने इसी के साथ भारत के लिए किसी भी वर्ल्ड ट्रैक रेसिंग सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले मिल्खा सिंह और पीटी उषा को भी पीछे छोड़ दिया और भारत की नई उड़न परी बन गई। मिल्खा सिंह ने 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर की रेस जीती थी और वो चौथे स्थान पर रहे थे। वहीं पीटी उषा ने 1984 के ओलंपिक में 400 मीटर की हर्डल रेस में चौथा स्थान हासिल किया। हिमा दास को उनकी कामयाबी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बधाई दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 18 साल की हिमा दास असम के एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। दो साल पहले ही हिमा दास ने रेसिंग ट्रैक की दुनिया में कदम रखा है। इससे पहले हिमा दास राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मेडल जीत चुकी है। 51.47, history made in Tampere. I'm joined right now by Hima Das from India, who is the world under 20 champion in the 400 meters. What does that sound like? I'm very happy. I'm first girl of India. Our track and field gold medal, so I'm very happy. So special thanks my Indian and especially thanks my coaches Nippon sir, Navjit sir, and my team coach Miss Galina and Basant Singh sir, and especially big thank you for Iaaf Athlete Federation of India. This is all of us support me. I support all players. Thank you so much. Namaskar. Please, our channel of video to say Anandu Kubuk Koro. Aro di video sabula, our channel is subscribe Koro. Logote, bell icon to the bottom. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.